हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट के ऊपर नैव बार बनाते हैं, किस तरह से उसे राउट करते हैं, किस तरह से पेज को कनेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अभी हम लोग किस तरह से बनाने वाले हैं कैरोसॉल होम पेज पे, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पेज होता है। उस पर हम किस तरह से अभी कैरोसॉल को अप्लाई करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहां पे जाके हमारा सारे वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग कैरोसेल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं यहाँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो नेवबार देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे नेवबार में कुछ हम लोग इमेज को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं वो चीज सीखेंगे, लोगो किस तरह से नेवबार में लगाते हैं वो सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से नेवबार में हम लोगो लगाएं। तो यहाँ पे अभी हम जो हमारा जो नेवबार का पेज है, हम वहां पे आ जाते हैं सिंपली से। ये जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इमेज टैग को ले लेंगे, ये जो पहले से लिया हुआ है, हम सिंपली इसे अभी डिलीट कर देते हैं। तो सिंपली img टैग को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स हमें देना है। सोर्स हमें कहाँ से देना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा जो भी हमारा लोगो का इमेज है, png जो भी है, उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, उसके बाद हमारा जो भी सोर्स है जहाँ पे हमने अपने लोगों को रखा है, वहां से हम लोग इसे कॉल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एसासिव टैग के अंदर यहाँ पे एक एसिस्ट के नाम से एक फोल्डर हमने बनाया है, वहां उसके अंदर हमने एक लोगो के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने लोगों को यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से हम कॉल कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इस फाइल नेम को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सिंपली इसे यहाँ पे कुछ विड्थ दे देंगे। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा लोगो है और जो भी नेवबार है, वो सारा कुछ अच्छे से यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने यहाँ पे आ जाना है। अभी हम इस पेज पे यहाँ पे हम लोग कैरोसेल लगाने वाले हैं, तो हमें आ जाना है अपने यहाँ गूगल पे, यहाँ पे सर्च कर लेना है बूटस्ट्रैप कैरोसेल। बूटस्ट्रैप 5 का कैरोसेल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। सिंपली इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे कैरोसोल है, तो आपको जिस हिसाब से जो अच्छा लगे आप सिंपली उसे यहाँ से उठा सकते हैं। तो हमें ये जो कैरोसोल, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट भी है और सारा कुछ यहाँ पे है, तो सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, हमें आ जाना है अपने होम पेज पे, जहाँ पे हमें शो करवाना है कि वो जो भी ये कैरोसेल है कहाँ पे हमें दिखे। तो हम सिंपली यहाँ पे आके सिंपली वो सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे आपको जब वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे अभी आपको बहुत सारा एरर कुछ देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आ जाऊँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारा एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे इमेज का जो टैग है वो यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो हम जो भी इमेज टैग है वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग पहले क्लोज टैग देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो
सारा एरर हमारा यहाँ से जा चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो यहाँ पे इमेज का सोर्स है, हमें इमेज का सोर्स देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज, यहाँ सारा कुछ पैरासोल आ चुका है लेकिन यहाँ पे इमेज उसे नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी सोर्स है यहाँ पे, हम यहाँ पे पहले सोर्स देंगे। तो सोर्स देने के लिए यहाँ पे जो जो भी हम इमेज जहाँ पे से हम लोग सोर्स दे रहे हैं उसे, हम पहले उसे इंपोर्ट कर लेंगे कि हमारा इमेज कहाँ से आएगा। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट करके उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम ले लेंगे स्लाइडर वन के नाम से, रोम। उसके बाद जहाँ पे हमारा सोर्स है वहां से हम उसे कॉल कर लेंगे असिस्ट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो आप इमेज है, इमेज के अंदर स्लाइडर है, स्लाइडर के अंदर स्लाइडर वन है। उसके बाद सिंपली शिफ्ट अल्ट दबा के तीन तीन फाइल से बना लेंगे। उसके बाद सारा नेम हम यहाँ पे रीनेम कर लेंगे कुछ, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन इमेज का, यहाँ पे जो अभी कैरेसोल के अंदर है वो तीन इमेज यहाँ पे देने के लिए दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा सोर्स है उसे सही तरीके से ले लेंगे। यहाँ पे तीन इमेज है हमारा, वन टू एंड थ्री करके। उसके बाद हम इस सोर्स को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो भी यहाँ पे हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के अंदर सोर्स है, सोर्स के अंदर आके सिंपली हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एरर यहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद दोनों तीनों इमेज को हम सिंपली उसी तरह से जो भी सोर्स फाइल के नाम से यहाँ पे हम बनाए हैं उसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा तीन इमेज था, तीनों इमेज को हमने यहाँ पे सोर्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद अभी देख सकते हो आप, हम यहाँ पे हमारा जो भी इमेज था वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद ये देख सकते हो आप, एक कैरेसल हो रहा है, ये स्लाइड भी हो रहा है। उसके अभी देख सकते हो आप, ये हमारा जो भी इमेज है वो फिट नहीं हो पा रहा है स्क्रीन के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आ जाना है यहाँ पे उस इमेज के ऊपर जहाँ पे हमने सोर्स दिया है, और वहां पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्टाइल ले लेंगे। और रिएक्ट के अंदर स्टाइल लेने का ये तरीका होता है, इसलिए यहाँ पे गलती ना करें आप। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विड्थ और हाइट इसका दे देंगे। विड्थ हम ले लेते हैं 100% एंड हाइट ले लेते हैं 100 VH। उसके बाद आ जाते हैं अपने ऐप के ऊपर। यहाँ पे अभी देख सकते हो जो जो भी हमारा इमेज है वो छोटा हो गया और यहाँ पे पेज के ऊपर वो फिट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो भी प्रीवियस टेक्स्ट जो है और नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो उसे हटा देते हैं यहाँ पे हम। अभी देख सकते हैं एक सक्सेसफुल पूरा सारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप हेडिंग चाहो तो अपने हिसाब से टेक्स्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे जो भी करना है यहाँ पर से आप कर सकते हो। उसके बाद अभी यहाँ पे जो भी इमेज था वो सारा कुछ स्लाइड अच्छे से यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे जो भी स्लाइडर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी रिएक्ट ऐप के ऊपर हम किसी तरह का भी स्लाइडर यहाँ पे सिंपल तरीके से और इजली वे में हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पे सिंपल वे में यहाँ पे स्लाइडर को ला सकते हैं, बूटस्ट्रैप के स्लाइडर को हम यहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।